तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं प्रोटोनिक्स के ईयरफोन्स की। तो ये हमें फ्लिपकार्ट से पैकेट रिसीव हो चुका है, तो चलिए कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। तो पैकिंग इसकी ओवरऑल ठीक ठाक थी। देखिए, जो इसमें बबल रैप था वो उन्होंने यूज़ नहीं किया, जबकि इन्हें बबल रैप यूज़ करना चाहिए था ताकि ये प्रोडक्ट डैमेज ना हो। ये वैसे मुझे एक ही दिन में शिप हो गया था, तो इसीलिए उसमें इतना कोई इशू नहीं आया। तो चलिए अब बात करते हैं बॉक्स के ऊपर क्या क्या मेंशन है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पावरफुल ऑडियो, जो कि ये बिल्कुल सही है। इसका ऑडियो क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिलता है, बिल्ट इन माइक्रोफोन, टेंगल फ्री वायर, स्मार्ट एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबिलिटी इसकी मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। अब देखिए, यहाँ पे जो प्राइस है वो 600 rupees है, बट हमने इसे फ्लिपकार्ट से काफ़ी कम प्राइस में मंगाया है। प्राइस आपको डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। 6th month की आपको इसके अंदर वारंटी देखने को मिल जाती है प्रोटोनिक्स की तरफ से ही। तो बॉक्स कुछ इसी तरीके का है, वाइट कलर का है, देखने में काफ़ी ठीक ठाक सा बॉक्स हमें दिखता है। चलिए अब बात करते हैं ईयरफोन के बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर मुझे इसे बिल्ड क्वालिटी में 5 में से नंबर देने होंगे तो मैं इसे 5 में से 4 दूंगा, और साउंड के लिए मैं इसे 5 में से 4.5 देना चाहूँगा, क्योंकि ओवरऑल ईयरफोन की जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गेमिंग आप इसमें कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। गेमिंग करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा शांत, अगर आपके जो कमरा है उसमें ज़्यादा नॉइस है तो आपको दिक्कत आएगी, बट अगर आप उसे 80% वॉल्यूम या उससे ऊपर रखेंगे तो मुझे लगता है आपको गेमिंग में भी इतने कोई इशू नहीं आएगा। और साउंड क्वालिटी तो इसकी टॉप नॉच है, जिस प्राइस में ये आ रहा है उस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी मुझे 1 नंबर लगा। कोई भी इशू नहीं है इसके साउंड क्वालिटी में, देखिए। और यहाँ पे देखिए, आपको एक बटन भी देखने को मिल जाता है जिससे आप कॉल को कट कर सकते हैं, वीडियो या सॉन्ग्स को नेक्स्ट आगे पीछे कर सकते हैं। माइक्रोफोन के साथ आता है। यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरीके की नीचे की वायर क्वालिटी है। वायर क्वालिटी भी इसकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ एकदम टॉप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए, तो इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि साउंड क्वालिटी इसकी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल्स की, कि इसके कंट्रोल वगैरह प्रॉपरली वर्क करते हैं कि नहीं। तो मैंने आपके लिए इसका कंट्रोल टेस्ट करके भी दिखाया है। अब नेक्स्ट क्लिप में आपको उसका कंट्रोल टेस्ट, ये देखिए, प्ले कर दिया है मैंने आपके लिए। जो इसके कंट्रोल्स वगैरह हैं वो काफ़ी परफेक्टली वर्क करते हैं। अगर आपको ये ईयरफोन चाहिए तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप इसे वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जान पाएं इस अच्छे से ईयरफोन के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।